भी स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। तो प्रॉब्लम है बर्नौली इक्वेशन की, ये प्रॉब्लम है, देखिए क्या कह रहा है। मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो भी गिवन डाटा होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, पहले उसको लिख लिया जाता है, उसको लिखिए, उसके बाद अपने आप जो उसका फाइंड आउट करना है, जो डिटरमाइन करना है, उसके बाद अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर। इसमें ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है, वाटर किसमें से फ्लो हो रहा है, पाइप में से फ्लो हो रहा है। तो देखिए पहले पाइप बना लीजिए, इसका पाइप के दो सेक्शन बना लिए हमने, वन सेक्शन और टू सेक्शन। ओके, तो इसमें देखिए मैंने इसका डाया ज्यादा दे रखा है, इसका डाया कम है, बिकॉज इसमें देखिए डाया बी वन कितना है और ये कितना है। तो इसको पहले लिखिए डी वन, डी वन कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका डाया ज्यादा होगा और इसका डाया कम होगा, क्योंकि डी टू इज टू कितना है 10 सेंटीमीटर है। पहले इसके न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को आप सॉल्व पहले आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद समझ में आता चला जाएगा एक एक करके ध्यान से सुनना। अगर ये समझ में आ गए तो समझो आपको बर्नौली इक्वेशन की पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे आप इजीली। क्लियर है आपको, क्लियर। तो 1 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस जो यूनिट है सेंटीमीटर की, इसको किसको कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा, डी वन इज टू 20 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया 0.20 मीटर। और इसको अगर आप नीचे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां तक क्लियर है सभी को, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे देखिए A1, इसका आप क्या निकालिए, D1 और D2 आ चुका है हमारे पास, अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालिए, A1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, π/4 d1 square। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, फिर बताइए क्या आंसर आ रहा है। A1 आएगा this, अब सेम प्रोसेस A2 के लिए सॉल्व, A2 कैसे होगा, π/4 d2 square। इसको वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है A2, इतना आएगा, सॉल्व करो उसे। अब आगे देखिए हमें क्या था, क्या फाइंड आउट करना था, इसमें फाइंड आउट करना था वेलोसिटी ऑफ वाटर सेक्शन वन। तो वेलोसिटी है, हम लिख लेंगे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है सेक्शन वन के लिए। क्या हो जाएगा, A1 square upon 2g। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, उसमें देखिए फाइंड आउट जो उसमें डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, उसे देखते जाओ। तो मैंने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी हेड निकाल लिया सेक्शन वन के लिए, अब वेलोसिटी हेड निकालना है सेक्शन टू के लिए। तो क्या हो जाएगा, सेक्शन टू के लिए क्या हो जाएगा, B2 square upon 2g। बट B2 हमारे पास गिवन नहीं है, रेट ऑफ डिस्चार्ज होती है, रेट ऑफ फ्लोइंग होती है। तो एक होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 B1
इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकालेंगे v2 निकालेंगे, a1 v1 upon a2, सॉल्व करो इसे, v2 का फॉर्म कितना आ रहा है आंसर, 16 मीटर पर सेकंड आ रहा है। v2 आ गया, तो बस आप फॉर्मूले को पढ़ दो, सेक्शन टू के लिए बैलेंस भी है क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर अपॉन 2g, वैल्यू पुट करिए इसमें, v2 आ चुका है, इसको वैल्यू पुट करो, अब नेक्स्ट निकालना है रेट ऑफ डिस्चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट का क्या था, रेट ऑफ डिस्चार्ज को चेंज कर दो, a1 v1 a2 v2, इसमें वैल्यू पुट करो, रेट ऑफ डिस्चार्ज कर लेना, क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने, तो ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया तो समझो पूरे बर्नौली इक्वेशन और रेट ऑफ फ्लो के जितने भी न्यूमेरिकल सब सॉल्व हो जाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।